नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निक ग्लास था। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्लास में लगाने वाला डिजाइनिंग स्टिकर। आप भी आप अपना घर का, बाथरूम का, खिड़की का या तो डोर का पुराने ओल्ड ग्लास को कैसे डिजाइनिंग ग्लास में बदल सकते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो ग्लास में लगाने वाला स्टिकर है ये मैंने मंगवाया है अमेजन ओरिजिन से और इसका प्राइस है आपका 400 रुपीज। मैंने जो साइज मंगवाया है ये है आपका 24x48। ये देखिए मैंने दोनों तरफ खिड़की में लगा कर रखा हूँ और बीच में मैंने नहीं लगाया, अभी बीच में आपको लगा के दिखाऊंगा। ये जो स्टिकर है ये अपना घर का खिड़की या बाथरूम का ग्लास हो या दूर का ग्लास हो इसमें आप खुद ही लगा सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक बॉटल का जरूरत पड़ेगा, जिस बॉटल के सोर्स से आप स्प्रे कर सकते हैं। इस पानी से आप खिड़की में थोड़ा स्प्रे करेंगे और उसके बाद आप स्टिकर में भी स्प्रे करेंगे। आप स्क्रैपर से क्रैप कर दीजिए, मैं दिखाऊंगा कैसे आप इसको इजीली घर में स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप खिड़की का ग्लास जो है वो मेजर करके आप उस हिसाब से काट लीजिए। मैंने मेजर कर लिया, अभी इस हिसाब से मैंने काट लिया है। ये मैंने इस हिसाब से काट लिया है। आपको एक कटर का जरूरत पड़ सकता है अगर आपका खिड़की का ग्लास या तो डोर का जो ग्लास है वो रेक्टेंगल शेप में नहीं है तो आपको एक कटर का जरूरत पड़ सकता है। ये देखिए ये जो स्टिकर है इस स्टिकर के ऊपर से आपको एक रैपर हटाना है। ये रैपर या तो है पड़को में हटा देता हूँ, पहले मैंने पकड़ा और रैपर थोड़ा निकल गया। ये मैंने रैपर ऊपर से हटा दिया है, अभी इसमें आपको थोड़ा पानी देना है, पानी स्प्रे कर दीजिए। पानी देने से कुछ नहीं होता, इसका जो ग्लू है वो कम नहीं हो जाएगा क्योंकि पानी देने से आप प्रॉपरली इसको बिठा सकता है। अगर आपका प्रॉपरली नहीं बैठा तो भी आप उसको एडजस्टमेंट करके बिठा सकता है, इसीलिए पानी दिया जाता है। अभी ये जो ग्लास है इसको भी आप क्लीन कर लीजिए, पहले अगर कोई भी दाग वगैरह हो तो उसको पहले आप क्लीन कर लीजिए, बाद में आप क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्लीन करके रखा हूँ, सिर्फ इसमें क्या करना है मुझे पानी देना है, तो मैं पानी दे देता हूँ इसमें। पानी दे दिया, अभी आप स्टिकर को लगा लीजिए। स्टिकर को लगाने का टाइप देख लीजिए कि ये बम्बू उल्टा है या सीधा है, तो मुझे यहाँ तक लगाना है तो मैं पहले यहाँ तक पकड़ लेता हूँ। अभी देखिए मैं इस साइड में थोड़ा नहीं बिठाया हूँ, अभी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पानी दे के रखा हूँ। चारों तरफ बैठ गया है। अभी आपको इस तरह का एक रबर स्क्रैपर से पानी को स्टिकर से बाहर निकाल देना है। ये देखिए पानी को मैं निकाल देता हूँ। अभी इस कटर से आपको जो राउंड शेप है उससे आपको यहाँ से काट के इसको शेप में लाना है। ऊपर से मैंने राउंड शेप में काट लिया और नीचे से भी कर देता हूँ। अभी एक बार अच्छे से इसका जो पानी है बीच में फंसा हुआ है उसको भी निकाल दीजिए।
तो उसको देखा आपने कैसे मैंने एक पुराने प्लेन ग्लास को नए डिजाइनिंग ग्लास में तब्दील कर दिया है। दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने इसे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।